हेलो फ्रेंड्स, सुनीता मोहन्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम कच्चे नारियल की बर्फ़ी बनाएंगे। कच्चे नारियल की बर्फ़ी बनाने के लिए हम एक कच्चा नारियल लेंगे और इसे तोड़कर नारियल के जो ऊपर का जो भाग है उसे हम पीलर की मदद से निकाल लेंगे। फिर इसे हम छोटे छोटे पीस में करके मिक्सी जार में डालकर इसका बारीक पाउडर तैयार कर लेंगे। पैन को हम मीडियम हीट पर गर्म करेंगे और इसमें कच्चा नारियल का पाउडर, इलायची पाउडर और स्वाद के अनुसार चीनी डालकर इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम हीट को लो कर देंगे और इसे हम इसी तरह से लगातार चलाते हुए पकाएंगे। थोड़ी देर में हम देखेंगे कि चीनी से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। इसे हम इसी तरह से लगातार चलाते हुए चीनी को ड्राई होने तक अच्छे से पकाएंगे। हीट को हम लो ही रखेंगे। ज़्यादा हीट हो जाने से नारियल का जो कलर है वो वाइट नहीं रहता है, थोड़ा चेंज हो जाता है और बर्फ़ी बनने के बाद उसका टेस्ट भी थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। ये देखिए, चीनी जो है ड्राई होना शुरू हो गया है। इसे हम इसी तरह से थोड़ी देर के लिए और पका लेंगे। चीनी अच्छे से ड्राई हो गया है। थोड़ा सा मिक्सचर उंगली के बीच में रखेंगे और इसे हम चेक कर लेंगे। मिक्सचर उंगली में अच्छे से चिपक रहा है, इसका मतलब यह रेडी है। अब हम हीट को ऑफ़ कर देंगे और इसे हम सेट करेंगे। नारियल बर्फ़ी को सेट करने के लिए मैंने एक ट्रे में एल्युमिनियम फॉइल को अच्छे से बिछा दिया है और इसके ऊपर हम नारियल बर्फ़ी को रख कर सेट करेंगे। बर्फ़ी की जगह आप इस मिक्सर से नारियल के लड्डू भी तैयार कर सकते हैं। एल्युमिनियम फॉइल की जगह आप बटर या घी भी लगा सकते हैं। नारियल बर्फ़ी का साइज़ हमें कैसा रखना है इसी के हिसाब से हम मिक्सर को फैलाएंगे। हल्का सा दबाते हुए इसे हम सेट करेंगे। अगर आपको पसंद है तो आप इसके ऊपर सिल्वर वर्क या कटा हुआ ड्राई फ्रूट्स डालकर इसे आप गार्निश कर सकते हैं। अब हम इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। नारियल बर्फ़ी अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इससे एल्युमिनियम फॉइल को निकालकर अपने पसंद के हिसाब से छोटा या बड़ा साइज़ का पीसेस निकाल लेंगे। हमारा कच्चे नारियल की बर्फ़ी तैयार है। इसे हम फ्रिज में रखकर 1 वीक तक आराम से खा सकते हैं। आप भी यह रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको यह रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में पूछिए। और भी नई रेसिपी के लिए नीचे दिए हुए बटन को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।